गुड मॉर्निंग 10th क्लास, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जीन और अलील्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जो कि डीएनए का एक सेगमेंट है, फंक्शनल सेगमेंट है, जो क्या कर रहा है, एक डिफरेंट करेक्टर को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। जीन्स ऑलवेज वर्क्स इन पेयर। फिर हमने पढ़ा अलील्स के बारे में। अलील्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको हम क्या बोल देंगे? अलील्स बोल देंगे। जैसे कैपिटल टी टोल हाइट के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल हाइट के लिए, स्मॉल टी ये क्या है? ड्वार्फ हाइट के लिए। तो तीनों के तीनों जो पेयर हैं वो हमें बता रहे हैं हाइट के बारे में। तो ये हाइट की जो जीन है उसकी तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, समझ रहे हैं। हाइट की जीन्स के लिए तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन्हीं फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप क्या है? जो जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिजम्स में जो जीन का सारा काउंट है ना, जीन्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होता है? जीनोटाइप होता है। सो इट शोज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म में किस तरह की जीन्स है और किस तरह से इसका जेनेटिक मेकअप पूरा बना हुआ है, जेनेटिक सेट कैसे बना हुआ है, ठीक है। जीनोटाइप इज अ पेयर ऑफ लेटर्स लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप क्या होता है? पेयर ऑफ लेटर्स होंगे क्योंकि जीन्स ही है ये। तो जीनोटाइप हमें क्या बता रहा है? जीन्स का आइडिया दे रहा है, वो जीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जीन्स किस तरह से प्रेजेंट है। अब किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसे जीन्स प्रेजेंट हो सकती है, किसी में ऐसे और किसी में ऐसे। तो जीन्स का जो सारा काउंट हमें बताएगा उसको हम क्या बोल देंगे? जीनोटाइप कहेंगे। नेक्स्ट एक और टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? द करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स विच आर विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो हमें विजिबल है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। विजिबल करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलेंगे। सो इट शोज फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखने में कोई ऑर्गेनिज्म कैसा, फिजिकली वो कैसा दिख रहा है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? उसका इनसाइड के कैरेक्टर्स क्या है, किस तरह से वो जीन्स कैरी कर रहा है। ये वाली जीन्स है, ये वाली जीन्स है और ये वाली जीन्स है, ठीक है। बट फिजिकली देखने को हमें वो कैसा लग रहा है ऑर्गेनिज्म, उस चीज को हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप बता रहा है जीन्स के बारे में, फिनोटाइप बता रहा है जीन्स से किस तरह का करेक्टर जो बना है और जो हमें दिखेगा। जैसे हमें टोल और ड्वार्फ ये जो दिखाई दे रहे हैं हाइट, ये क्या? फिनोटाइप। अब कोई ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहा है टोल हाइट का, ठीक है। तो हमें तो उसकी हाइट दिख रही है टोल। अब हमें थोड़ी पता है कि उसमें वो जीन्स कैसे थी, ऐसे जीन्स प्रेजेंट है या फिर ऐसे, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, हाइट तो क्या रह रही है? टोल रह रही ना। जहां कैपिटल टी आया वहां हाइट क्या रहेगी? टोल रहेगी। तो जीन्स का जो डिस्क्रिप्शन दे वो जीनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस का, देखने में ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, टोल है या ड्वार्फ है, उस चीज को हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो कैपिटल टी है जीनोटाइप, टोल और ड्वार्फ क्या है? फिनोटाइप्स। देखने से तो हमें टोल और ड्वार्फ ही पता चल रहा है ना कोई ऑर्गेनिज्म, उसकी जीन्स थोड़ी दिख रही है कि कैसी जीन्स कैरी कर रहे हैं, है ना। सो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज फिलाइल जनरेशन, ठीक है। ये फिलाइल जनरेशन क्या होती है? जब टू पेरेंट्स का क्रॉस किया गया, क्रॉस का मतलब उनको रिप्रोड्यूस कराया जा रहा है, यहाँ पे हम क्रॉस टर्म का यूज करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। सो व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस और ब्रीड, मतलब उनको रिप्रोड्यूस कराया गया। अब टू पेरेंट्स को क्रॉस करा दिया गया, एक मेल है और एक फीमेल, तो क्या प्रोड्यूस होंगे? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। देन देयर फर्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग की जो फर्स्ट जनरेशन बने ना, दो पेरेंट्स को क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं, फर्स्ट जो जनरेशन बनी है, उसी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट प्रोजेनी और फर्स्ट जनरेशन, मतलब फिलाइल जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट फिलाइल जनरेशन लिखेंगे कैसे इसको? F1 प्रोजेनी से हम लिख सकते हैं।
तो दो ऑर्गेनिजम्स को जब रिप्रोड्यूस कराया गया, क्रॉस कराया गया, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं ना, उन ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलायल जनरेशन, ठीक है, उनकी फर्स्ट जो जनरेशन है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द फर्स्ट जनरेशन को हम क्या बोल रहे हैं, F1। अब F1 को क्रॉस करा दिया गया अमंग देमसेल्स, मतलब F1 का क्रॉस F1 वालों के साथ करा दिया, फर्स्ट जनरेशन वाले जो थे ऑर्गेनिज्म उनका क्रॉस फर्स्ट जनरेशन के साथ करा दिया है। इससे जो जनरेशन बनती है वो क्या होती है, सेकेंड जनरेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फिलाइल जनरेशन और F2 प्रोजेनी, ठीक है। आज हम बस इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे, दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों को क्रॉस कराया, फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स हमें मिले, फर्स्ट जो जनरेशन मिली उसको बोल देंगे फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, मतलब F1 प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब ही क्या होता है, जनरेशन। F1 का क्रॉस F1 वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनका क्रॉस F1 के साथ ही करा दिया, तो जो जनरेशन बनती है वो क्या होती है, F2 जनरेशन होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, ओके।